तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रोफाइल है, जिसके ऊपर आपको एक ब्लू कलर का हार्ट शेप का बैच दिखाई दे रहा होगा, और आपको स्टोरी के ऊपर भी मेरी हार्ट शेप का बैच दिखाई दे रहा है। तो आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। तो इसको अप्लाई करने के बाद आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो, आप अपने जो न्यू फॉलोअर्स उनको भी हैरान कर सकते हो। आपके ये दोस्त ये सोचेंगे शायद आपको इंस्टाग्राम की तरफ से कोई बैच मिल चुका है, जहाँ का अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह कोई अगर आपका न्यू फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर विजिट करता है, तो वो ये सोचेगा शायद आपका ये अकाउंट प्रोफेशनल है, तो वो आपको फॉलो भी कर लेगा। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको कोई ऐप डाउनलोड करना तभी ये ट्रिक वर्क करेगी, या आपको कोई वेबसाइट पर जाना तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। तो जो भी ये ट्रिक वर्क करेगी, वो आपके सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब ऐप के ऊपर ही काम करेगी। आपको कोई भी अनदर ऐप की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने इंस्टाग्राम ऐप की जरूरत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं अब सीधा मेन टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले गाइज, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है। तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल के अंदर चले जाना है। मैं आपको पहले अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ कि अभी मेरा जो हर्ट वाला टैग है वो शो होता है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कि हर्ट वाला जो रिंग है मतलब जो टैग है वो अभी शो नहीं हो रहा। तो आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, आपको कैसे अपने प्रोफाइल के अंदर इसको लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो थ्री लाइन दिख रही है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगी कोविड-19 इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको चले जाना है जहाँ पर लिखा हुआ ट्राई स्टिकर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये एक स्टिकर दिखाई देगा। तो आपको कोई भी अपनी स्टोरी ले लेनी है, मतलब आपको कोई भी अपनी फ़ोटो या वीडियो, आपको रील्स कुछ भी हो, आपको अपनी स्टोरी के अंदर अपलोड करना है। तो मैं अपनी कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो ये रही मेरी फ़ोटो। अगर आप चाहो तो इसको जहाँ पर शो कर सकते हो स्टिकर को, नहीं तो आपको इसको अगर आपको हाइड करना है तो आपको इसको ऊपर ले जाना है। सॉरी, स्टिकर को आपको यहाँ से इसको आपको ऊपर ले जाना है और जहाँ से आपको इसको हाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टोरी को अपलोड कर देना है। तो जहाँ से मैं सेंड करता हूँ और शेयर करके डन कर देता हूँ, तो मेरी स्टोरी अब अपलोड हो रही है। तो हम अब देखेंगे अपने दूसरे अकाउंट से, मतलब अपने फेक अकाउंट से देखेंगे कि जो हर्ट वाला टैग है वो यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। तो अभी तो मेरे प्रोफाइल के ऊपर शो हो चुका है। तो अब चलते हैं हम दूसरे अपने फेक अकाउंट के अंदर। तो ये रहा मेरा फेक अकाउंट, और देखते हैं होम के अंदर। तो देख लीजिए गाइस, आपके सामने है जहाँ पर मुझे हर्ट वाला जो मेरा प्रोफाइल है स्टोरी के ऊपर हर्ट वाला शो हो रहा है। उसके बाद हम अब सर्चिंग में जाएंगे और प्रोफाइल खोलेंगे अपना फेक अकाउंट के अंदर। तो ये रहा मेरा प्रोफाइल, तो आप देख सकते हो कि जो हर्ट वाला टैग है वो मेरी अब प्रोफाइल के ऊपर लग चुका है। ये तब तक अप्लाई रहेगा जब तक आपका दोस्त आपकी स्टोरी पूरी नहीं देख लगता। जैसे आपका दोस्त आपकी स्टोरी पूरी देख लेगा, तो ये जो हर बार टैग है वो गायब हो जाएगा सिर्फ उसी के लिए, बाकी के लिए तो अप्लाई ही देगा। तो ये थी वो ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर।